तो फ्रेंड्स, मेरा नाम भावना सिंह है और हम पढ़ रहे हैं रेवेन्यू चैप्टर, जिसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्या रिलेशनशिप होती है रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स के अंदर, जब प्राइस हमने कांस्टेंट लेकर चला था, यानी एक परफेक्ट कंपटीशन में के केस के अंदर हमने समझा था परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस हमारा कांस्टेंट रहता है तो क्या रिलेशनशिप होगी हमारी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में, एंड टोटल रेवेन्यू और प्राइस लाइन के बीच में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या रिलेशनशिप होगी इन सब रेवेन्यू कर्व्स के बीच में जब हमारा प्राइस क्या होगा, फॉल करेगा, यानी प्राइस फॉल कर रहा है आउटपुट के बढ़ने से। ये कब होता है? इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा प्राइस यहाँ पे लें, क्वांटिटी यहाँ पे लें, तो प्राइस हमारा फॉल कर रहा है विद राइज इन आउटपुट, क्यू से क्यू डैश हो गया तो पी से पी डैश, प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी बढ़ रही है, तो प्राइस फॉल हो रहा है विद राइज इन आउटपुट। ये कब होता है? इम्परफेक्ट कंपटीशन में होता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन का क्या मतलब बताया था मैंने आपको, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लास्ट लेक्चर में आपको परफेक्ट कंपटीशन के बताए थे वो सब नहीं जिस मार्केट में हों, उनमें से जो भी उस मार्केट में जिस सारे ना हो किसी मार्केट में, तो वो इम्परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट कहलाती है। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हों, हमारी फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स हो, परफेक्ट नॉलेज, होमोजीनियस प्रोडक्ट, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नो सेलिंग कॉस्ट। तो ये सारे हमारे क्या थे, ये सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट की। तो यहाँ पर इम्परफेक्ट की बात हो रही है, यानी उसका वैसा ना हो, परफेक्ट जैसा ना हो तो क्या हो गया, ऑब्वियसली इम्परफेक्ट हो गया। तो वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जब ना अवेलेबल हो तो क्या होता है, प्राइस फॉल करता है विद राइज इन आउटपुट, यानी ऑलमोस्ट इस तरह का, यानी डिमांड कर्व की शेप का क्या है, डिमांड कर्व की शेप का कर्व लेता है। जब अब हमें पता है फर्म जो है अपनी वॉल्यूम ऑफ सेल्स, ये तो हमने क्वान्टिटी प्रोड्यूस्ड की तरह से हमने तब भी पढ़ी है, अब यहाँ पे हम क्वान्टिटी सोल्ड की बात कर रहे हैं। आपको पता है कोई भी कंपनी सेल्स कैसे बढ़ा सकती है, किसी भी कंपनी को अपनी सेल्स बढ़ानी हो तो वो क्या करेगा, अपने प्राइसेस को कम कर देगा। ऑब्वियसली प्राइस कम हो जाएंगे तो सेल्स बढ़ने लग जाएगी, लोग और ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे। यानी प्राइस फर्म तभी वॉल्यूम ऑफ सेल्स बढ़ा सकती है जब वो अपने प्राइसेस को कम करें, यानी कि एवरेज रेवेन्यू जब फॉल होगा विद इंक्रीज इन द सेल्स, एवरेज रेवेन्यू जब हमारा एवरेज रेवेन्यू फॉल्स with increase in sales, average revenue हमारा fall करेगा increase in sale, ये कब fall करेगा, when firms increase their volume of sales only by decreasing their price, जब average revenue falls with increase in sales, when firms increase their volume of sales only by decreasing their prices, का मतलब क्या हुआ, average revenue हमारा यानी per unit जो revenue हमें मिल रहा है, per unit sell करने से जो भी हमें average revenue मिल रहा था वो हमारा गिरने लगेगा, sales के बढ़ने से हमारा per unit revenue गिरने लगेगा। क्यों गिरने लगेगा, जब firm increase करेंगी अपनी volume of sales, कैसे इंक्रीज़ करेंगे, सिर्फ प्राइस डिक्रीज़ करके। इस चीज़ को मैं आपको क्या कहते हैं, अभी स्केड्यूल के तौर पे समझाऊंगी और एक ग्राफ के तौर पे भी समझाना चाहूंगी। इससे होता क्या है वैसे, इसका मतलब क्या होता है कि रेवेन्यू हर एडिशनल यूनिट से, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है कि रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट, एडिशनल यूनिट से रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ, मार्जिनल रेवेन्यू विल बी लेस देन एवरेज रेवेन्यू। ऑब्वियसली इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा एवरेज रेवेन्यू फॉल कर रहा है विद इंक्रीज इन सेल्स, इससे क्या होगा, मैं आपको एक ग्राफिकली स्केड्यूल के तौर पे ही समझाती हूँ इस चीज़ को। यहाँ पे हमने क्वांटिटी यानी यूनिट सोल्ड लिए, एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे लिया, विच इज़ आपको पता है प्राइस के इक्वल ही होता है,
यहाँ पे टोटल रेवेन्यू लिया, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू लिया, एंड यहाँ पे हम रेशियो टू फॉल देखेंगे अभी। रेशियो ऑफ फॉल एवरेज रेवेन्यू में और मार्जिनल रेवेन्यू में क्या रेशियो हुई है फॉल होने की। क्वांटिटी हमने 5 क्वांटिटी ले ली। ओके नाउ मैंने आपको कहा कि क्या है, जब प्राइस हमारा फॉल कर रहा है विद राइज इन आउटपुट, यानी प्राइस कम करेंगे आउटपुट के बढ़ने से, क्वांटिटी के बढ़ने से। क्वांटिटी 1 से 2 हो गई तो प्राइस कम होना चाहिए 4 हो गया, 2 से 3 हो गई तो फिर और कम होना चाहिए, 3 से 4 हो गई तो और कम होना चाहिए, 4 से 5 हो गई तो और कम होना चाहिए, यानी प्राइस कम हो रहा है आउटपुट के बढ़ने से। पहली कंडीशन हो गई परफेक्ट। प्राइस आपको पता है AR के इक्वल होता है, TR क्या होता है, प्राइस इंटू क्वान्टिटी। 5 1s are 5, 4 2s are 8, 3 3s are 9, 4 2s are 8 and 5 1s are 5। इस चीज़ को आप देखेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हुआ, मार्जिनल रेवेन्यू 5 माइनस 0, 5 0 क्यों बोला मैंने, 0 यूनिट्स ऑफ सेलिंग पर 0 ही होगा टोटल रेवेन्यू। 8 माइनस 5 3, 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 9 माइनस 1 एंड देन -3। तो मार्जिनल रेवेन्यू आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू में, कि रेवेन्यू फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट विच इज़ मार्जिनल रेवेन्यू हमारा क्या है, विल बी लेस देन AR, वो एवरेज रेवेन्यू से कम होगा। 4 हमारा ज़्यादा है, एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है टोटल मार्जिनल रेवेन्यू से, 3 ज़्यादा है 1 से, 2 ज़्यादा है -1 से, 1 ज़्यादा है -3 से। यानी अगर हमारे फर्म इंक्रीज़ किया इन्होंने अपनी वॉल्यूम ऑफ सेल्स, वॉल्यूम सेल्स का मतलब क्या है, क्वान्टिटी ऑफ सेल्स को इन्होंने इंक्रीज़ किया सिर्फ अपना प्राइस डिक्रीज़ कर, तो हमारा एवरेज रेवेन्यू क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है विद इंक्रीज इन सेल्स, यानी सेल के इंक्रीज। सेल कैसे इंक्रीज हो रही है, यूनिट्स बढ़ रही हैं इंक्रीज होने की, यानी सेल के इंक्रीज होने से एवरेज रेवेन्यू कम हो रहा है। और इसके केस में क्या होता है, रेवेन्यू हमारा हर एडिशनल यूनिट से क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू से भी कम होगा। यानी यहाँ पे तो सेम रहेगा, उसके बाद से क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे सेम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने ये कहा ना कि यहाँ से तो इंक्रीज़ नहीं हुई वॉल्यूम, अब इसके बाद इंक्रीज़ हुई है, तो इसके बाद से ही आप चेंजेस देखने लगेंगे। एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा रहेगा हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू से, ये आपको मैंने ग्राफ के तौर पर समझा दिया। अगर रेशियो ऑफ फॉल देखें तो एवरेज रेवेन्यू कितना फॉल हुआ है, 5 से 4 हो गया, यानी कि 1 फॉल हुआ। और मार्जिनल रेवेन्यू कितना फॉल हुआ, 2 फॉल हुआ। एवरेज रेवेन्यू कितना फॉल हुआ, 4 से 3, 1 फॉल हुआ। फिर मार्जिनल रेवेन्यू 3 से 1, यानी 2 फॉल हो गया। एवरेज रेवेन्यू कितना फॉल हुआ, 3 से 2, 1 फॉल हो गया। और मार्जिनल रेवेन्यू 1 माइनस -1, आपको पता है 1 माइनस -1 क्या होता है, 1 प्लस 1 विच इज़ 2, तो मार्जिनल रेवेन्यू फिर हमारा 2 से फॉल हुआ। और -1 माइनस -3 भी आपको पता है, -1 प्लस 2 भी होता है विच इज़ +3 होता है विच इज़ +2, तो यहाँ पे भी 2 से 1 हुआ, यानी 1 कम हुआ, और यहाँ पे कितना, 2 कम हो गया। तो रेशियो ऑफ फॉल देखते हैं आप, सेम रहता है रेशियो फॉल का हमारा क्या है, सेम रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका मतलब अभी मैं समझाती हूँ। पहले मैं आपको एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू जो भी है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू को एक ग्राफ पर आपको समझाना चाहूँगी। मार्जिनल रेवेन्यू, फिर तो 1, 2, 4, 5, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5। आपने देखा कि एवरेज रेवेन्यू 1 लेवल पर कितना है, 1 लेवल पर 5 है, 2 लेवल पर 4 है, 3 लेवल पर 2 है, 3 लेवल पर 3 है, 2 लेवल पर यहाँ पे 2 आया, 3 लेवल पर यहाँ पे 3 आया, 4 लेवल पर यहाँ पर 2 आ गया, 4 लेवल पर एवरेज रेवेन्यू 2 है, 5 लेवल पर 1 है। तो आपने देखा एवरेज रेवेन्यू का कर्व क्या है हमारा, इस तरह से आ रहा है। 4 लेवल पर हमारा 1 है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हमने पांचों पॉइंट डिनोट कर लिए हैं। तो ये क्या है हमारा,
ये है हमारा एवरेज रेवेन्यू का कर्व। यहीं पर अगर मैं आपको मार्जिनल रेवेन्यू डिनोट करके दिखाऊं, पहले हमारा वन लेवल पर 5 है, यहीं पर है, फिर देन टू लेवल पर क्या है 3 है, टू लेवल पर ही 3 पहुंच गया, यानी कि यहाँ पर 3 लेवल पर 1 है, 3 लेवल पर 1 है, 4 लेवल पर -1 है, 4 लेवल पर -1 है, 5 लेवल पर -3 है। अगर इन पांचों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूं तो हमारा ये ग्राफ बन रहा है, यानी दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू का ग्राफ बन रहा है। तो आप देखेंगे कि दोनों मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू क्या है, फॉल हो रहे हैं विद राइज इन आउटपुट। आउटपुट के बढ़ने से एवरेज रेवेन्यू भी फॉल हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू भी फॉल हो रहा है। हाउएवर आप देखेंगे मार्जिनल रेवेन्यू में जो फॉल है वो डबल है एवरेज रेवेन्यू के फॉल होने से, यानी कि आपने देखा एवरेज रेवेन्यू में एक एक यूनिट का फॉल हो रहा है, तो मार्जिनल रेवेन्यू में दो दो यूनिट का फॉल हो रहा है, यानी मार्जिनल रेवेन्यू में डबल यूनिट का फॉल हो रहा है और एवरेज यूनिट में सिंगल यूनिट का फॉल हो रहा है, यानी दोनों में फॉल तो हो रहा है आउटपुट के इंक्रीज होने से, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू में डबल हो रहा है एवरेज रेवेन्यू से। इसका मतलब क्या हुआ, एज अ रिजल्ट मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व जो है वो स्टीपर है। आपको मैंने बताया था ये एक होता है, ये फ्लैट होता है कोई भी चीज़, और हम इसको भी फ्लैट कह देते हैं, और स्टीपर क्या हुआ, ये चीज़ स्टीप होती है एक तरह से, ये चीज़ फ्लैट होती है, ये क्या होती है, ये फ्लैट है, ये क्या है, स्टीप है। तो आप देखेंगे कि मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है वो स्टीपर है एवरेज रेवेन्यू से, यानी कि ज़्यादा सीधा खड़ा है, और एवरेज रेवेन्यू का कर्व थोड़ा फ्लैट की तरह से खड़ा है। ऐसा क्योंकि एवरेज रेवेन्यू का कर्व क्या होता है हमारा फ्लैटर होता है, और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व क्या होता है स्टीपर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू के कर्व में जो फॉल हो रहा है वो डबल है एवरेज रेवेन्यू के कर्व के फॉल से। तो आपको ये पता लग गया कि मार्जिनल रेवेन्यू एज अ रिजल्ट क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व क्या है, मैंने आपको बताया स्टीपर है एवरेज रेवेन्यू के कर्व से। क्यों, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व सिर्फ एक यूनिट, लिमिटेड टू वन यूनिट, जो मार्जिनल रेवेन्यू का जो कर्व है वो एक ही यूनिट पे से लिमिटेड है, बल्कि एवरेज रेवेन्यू का कर्व जो है वो सारी यूनिट से डिराइव होता है। एवरेज रेवेन्यू के कर्व हमें पता है सारी यूनिट से, मार्जिनल रेवेन्यू में हम सिर्फ एक ही यूनिट का फ़र्क देखते हैं, एवरेज रेवेन्यू में हम सारी यूनिट का फ़र्क देखते हैं। इट लीड्स टू क्या होता है, कंपैरेटिवली लेसर फॉल। अगर हम सारी यूनिट में फ़र्क देखेंगे तो कंपैरेटिवली लेस फॉल होगा एवरेज रेवेन्यू में एज़ कम्पेयर टू मार्जिनल रेवेन्यू। आप ये भी देखें कि जब मार्जिनल रेवेन्यू हमारा ज़ीरो पे भी फॉल हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, हाउएवर एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है वो कभी भी ज़ीरो या फिर नेगेटिव नहीं होता। क्यों, क्योंकि टोटल रेवेन्यू हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है, टोटल रेवेन्यू अगर हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा तो हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व कभी भी ज़ीरो नहीं होगा और कभी भी नेगेटिव नहीं पहुंचेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। ये एक जनरल रिलेशन, ये क्या है, ये एक नॉर्मल रिलेशनशिप है, किस किस की चीज़ के बीच में, ये है बिटवीन AR एंड MR, ये है बिटवीन AR एंड MR, AR और MR के बीच में ये एक जनरल रिलेशनशिप मैंने आपको, अगर ये हमने क्या है एक ऐसी रिलेशनशिप पढ़ी जो प्राइस हमारा फॉल हो रहा है। अगर मैं आपको इनके बीच की जनरल रिलेशनशिप समझाऊं, AR और MR के बीच की क्या एक जनरल रिलेशनशिप समझाऊं, तो वो कैसे आती है जनरल रिलेशनशिप। अगर हम देखेंगे AR और MR के बीच की जो जनरल रिलेशनशिप है वो डिपेंड करती है कि प्राइस हमारा सेम है या फिर फॉल हो रहा है विद राइज इन आउटपुट। यानी अभी हमने दो सिनेरियो पढ़े, टू कंडीशन पढ़ी, एक में हमारा प्राइस सेम था, एक में हमारा प्राइस फॉल हो रहा था विथ राइज इन आउटपुट। तो रिलेशनशिप एवरेज रेवेन्यू की और मार्जिनल रेवेन्यू की इसी चीज़ पर डिपेंड करती है कि प्राइस हमारा सेम रह रहा है या फॉल कर रहा है विद राइज इन आउटपुट। हाउएवर अगर कुछ भी मेंशन नहीं है कि हमारा प्राइस सेम है या प्राइस फॉल हो रहा है, तो हम एक जनरल रिलेशनशिप को देखते हैं। जनरल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है AR और MR के बीच में, जनरल रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, एक जनरल रिलेशनशिप होल्ड करती है इन दोनों के बीच में। वो क्या है कि हमारा इस तरह का कर्व बनता है, आपको कर्व के थ्रू भी समझा देती हूँ किस तरह का कर्व बनता है। एक तो ये और एक ये,
यानी ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है और ये हमारा एवरेज रेवेन्यू है। इस तरह का हमारा कर्व बनता है, जिसके अंदर यहाँ पर यूनिट सोल्ड लेते हैं, यहाँ पे एआर या फिर एमआर लेते हैं। तो जनरल रिलेशनशिप क्या हुआ कि जब एआर इंक्रीज कर रहा, एआर इंक्रीज करेगा जब तक हमारा मार्जिनल रेवेन्यू हायर होगा एआर से, यानी जब मार्जिनल रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन एआर तो हमारा एआर इंक्रीजेस। आपने देखा एआर इंक्रीज करता रह रहा है जब तक मार्जिनल रेवेन्यू ऊपर है एआर से, मार्जिनल रेवेन्यू ऊपर है एआर से तो एआर हमारा इंक्रीज करे जा रहा है। तो ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी है जब मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो जाए एआर के, जब मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू इक्वल हो जाए यानी इस पॉइंट पे, तो एआर जो है अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होगा। यहाँ पे मैंने इस तरह से ऊपर कर्व दिखा दिया बट ये यहीं से ही डिक्रीज हो रहा है। तो जब इस पॉइंट पर हमारा क्या है एआर इज मैक्सिमम, और थर्ड है जब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू लेस होगा एआर से, यानी मार्जिनल रेवेन्यू हमारा गिरने लगेगा, वहीं से हमारा एवरेज रेवेन्यू भी गिरने लगेगा, उसी पॉइंट से हमारा एवरेज रेवेन्यू भी फॉल होने लगेगा। एवरेज रेवेन्यू ऑल्सो फॉल्स जब मार्जिनल रेवेन्यू क्या है हमारा लेस हो जाएगा। यहाँ तक वो इंक्रीज कर रहा है, फिर वो डिक्रीज भी कर रहा है, पर डिक्रीज होने से फ़र्क नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि वो अभी भी ऊपर ही है एआर के, लेकिन जब वो इक्वल हो जाएंगे उसके बाद क्या है मार्जिनल रेवेन्यू नीचे आ जाएगा एआर से, जब वो नीचे आ जाएगा तो क्या होगा एआर भी फॉल करने करेगा, वो भी फॉल करने लग जाएगा। आप ये देखेंगे कि एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप होती है जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में जो है वो डिपेंड करती है किसके से, प्राइस और आउटपुट के बीच में, यानी कि या क्या प्राइस सेम है या फिर वैरी कर रहा है विद राइज इन आउटपुट। अगर वो प्राइस फॉल कर रहा है विद राइज इन आउटपुट तो मैंने आपको समझा दिया, सेम हो रहा है तो भी मैंने रिलेशनशिप समझा दिया, और अगर ये चीज़ मेंशन नहीं हो, यानी ये टू कंडीशंस मेंशन नहीं हो, इनमें से कोई भी सिचुएशन मेंशन नहीं हो, तो आप ये एक जनरल रिलेशनशिप फॉलो करेंगे एआर एंड एमआर के बीच में। आई होप आपको समझ आ रहा हो। नाउ यहीं पर अगर मैं आपको बताऊं एआर और एमआर कर्व क्या होती हैं मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। आपको मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब पता है या नहीं पता, अभी मैं यही जानकर स्टार्ट करूँगी कि आपको नहीं पता। मोनोपोली का मतलब होता है कि एक ही बायर हो रहा, या फिर ये मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की ये जो कर्व्स हैं ये सब मैं आपको चैप्टर 10 है आई गेस, हाँ जी चैप्टर 10 है आपका मार्केट्स का, जहाँ पे मैंने अभी आपको परफेक्ट कंपटीशन के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया, उसी तरह से मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की भी मार्केट्स होती हैं। तो वहीं पर ये कंसेप्ट भी आपको डिटेल में वहीं पर आपको समझाऊंगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या रिलेशनशिप होगा हमारा टोटल रेवेन्यू के अंडर एंड मार्जिनल रेवेन्यू के अंदर। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। आउटपुट में राइज करने से जब प्राइस फॉल होगा तो क्या रिलेशनशिप होगा टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के अंडर। आपको पता है एक और यूनिट ऑफ आउटपुट तभी सॉल्व, तभी हम सेल कर पाएंगे जब हमने प्राइस कम किया, यानी प्राइस फॉल हो रहा है विद राइज इन आउटपुट, प्राइस को हमने फॉल किया विद यहाँ पे यूनिट्स सोल्ड एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू, को पता है ये प्राइस के ही बराबर होता है। हमने 5 की 5 यूनिट्स लेकर चली हैं, एवरेज रेवेन्यू मैंने आपको कहा प्राइस है एवरेज रेवेन्यू, या फिर प्राइस हमें फॉल करना है विद राइज इन आउटपुट। मान लीजिए हमने यहाँ पे 5 एवरेज रेवेन्यू लिया, फिर 4 लिया, देन 3 लिया, देन मान लीजिए 2.25 ले लिया एंड देन 1 ले लिया, इस तरह से हमने एवरेज रेवेन्यू अपना लिख लिया। यहीं पे टोटल रेवेन्यू क्या होगा 5 1 5 5 4 2 8 3 3 9 2 2.25 × 4 क्या होगा 5 2 8 8 and 4 1 9, तो 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा एंड 5 1 5। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, पहले यहाँ पर 5 होगा, 8 − 5 3 होगा, देन 9 − 8 1 होगा, 9 − 9 0 होगा एंड देन 5 − 9 −4। ये मार्जिनल रेवेन्यू हमने ले लिया, टोटल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू सब ले लिया। नाउ हम रिलेशनशिप किसके बीच में, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं।
मैंने आपको कहा कि रिवेन्यू हम क्या कर रहे हैं, हमारा फॉल हो रहा है विद राइज इन आउटपुट, यानी कि हम ज़्यादा यूनिट तभी सेल कर पा रहे हैं जब हमने अपना प्राइस कम किया। अब आपको पता है कि रिवेन्यू फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट जो है हमारा फॉल करेगा, यानी हर एडिशनल यूनिट से जो रिवेन्यू है वो हमारा फॉल करेगा, और क्या वो एवरेज रिवेन्यू से कम ही रहेगा, एवरेज रिवेन्यू से कम ही रहेगा। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया, यानी ये फॉल भी कर रहा है, ये भी फॉल कर रहा है, और एवरेज रिवेन्यू से ये कम ही है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नाउ मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है हमारा, इस एडिशन टू TR, यानी TR में कितना एडिशन हो रहा है विद मर वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। यानी TR क्या होता है, TR हमारा समेशन होता है, मैंने आपको बताया था मार्जिनल रिवेन्यू का। नाउ TR कैसे इंक्रीज करेगा, जब MR हमारा पॉजिटिव होगा, यानी जब तक हमारा मार्जिनल रिवेन्यू पॉजिटिव है, जब तक हमारा मार्जिनल रिवेन्यू क्या है पॉजिटिव है, तो TR आप देखेंगे हमारा इंक्रीज हो रहा है। यहाँ तक TR हमारा इंक्रीज कर रहा है जब MR हमारा पॉजिटिव है, और TR फॉल करेगा जब हमारा MR नेगेटिव हो जाएगा। TR इज पॉजिटिव व्हेन TR विल इंक्रीज, TR विल MR इज पॉजिटिव तो TR विल इंक्रीज, MR अगर पॉजिटिव है तो TR इंक्रीज करेगा, व्हेन MR इज नेगेटिव तो TR विल फॉल। ये आपको समझ आ गया होगा, TR हमारा फॉल कर रहा है जब MR हमारा नेगेटिव है, और TR हमारा मैक्सिमम होगा जब MR ज़ीरो होगा, यानी व्हेन MR इज ज़ीरो देन TR इज मैक्सिमम। यानी आपने देखा 9 TR है हमारा जब MR ज़ीरो है 4 यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड के साथ। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही हो। इन अगर मैं आपको इसी चीज़ को, यानी TR और MR को एक ग्राफ में समझाऊं, तो किस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा। टोटल रेवेन्यू टू वन लेवल पर 5 है, वन लेवल पर 5 है, टू लेवल पर 8 है, टू लेवल पर 3 लेवल पर 9 है, 3 लेवल पर 4 लेवल पर भी 9 है, एंड 5 लेवल पर 5 है। अगर इस चीज़ को मैं आपको इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व क्या होगा, इस तरह का हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व आएगा। यानी दिस इज़ हमारा टोटल रेवेन्यू, यानी जहाँ पे वो पहले इंक्रीज़ कर रहा है फिर कांस्टेंट है एंड वो देन डिक्रीज़ कर रहा है, पहले इंक्रीज़ कर रहा है फिर कांस्टेंट है देन डिक्रीज़ कर रहा है, ये टोटल रेवेन्यू का कर्व आ गया। नाउ यहीं पर अगर मैं आपको मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व इसके साथ साथ शो करूं, ये यूनिट्स सोल्ड इधर TR दिखा रहे हैं, इधर हम MR शो कर देते हैं, यूनिट्स सोल्ड के साथ 1, 3, 4, 5, 2, 4। -2, -4। यहाँ पे हमने देखा वन यूनिट पे MR हमारा 5 है, वन यूनिट पे 5 है, टू यूनिट पे 3 है, थ्री यूनिट पे 1 है, फोर यूनिट पे 0 है, एंड 5 यूनिट पे -4 है। इन सब पॉइंट्स को भी अगर मैं ज्वाइन करूं तो हमारा इस तरह का हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व आ रहा है। दिस इज़ मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। आप देखेंगे यहाँ 4 लेवल पर हमारा, यहाँ पे मैक्सिमम TR था और 4 लेवल पर ही हमारा 0 MR है। यानी अगर आप ये देखेंगे 4 लेवल पर हमारा TR मैक्सिमम है, यहाँ पे TR इज़ मैक्सिमम और यहाँ पर MR इज़ 0। तो
जब तक हमारा MR पॉजिटिव, रिलेशनशिप क्या दिखती है आपको, जब तक हमारा MR पॉजिटिव है TR हमारा इंक्रीज करे जा रहा है, या फिर हम कहेंगे TR इंक्रीज कर रहा है तो MR हमारा पॉजिटिव रहेगा। जब TR अपने मैक्सिमम पॉइंट पर आ जाएगा तो MR हमारे जीरो पॉइंट पर आ जाएगा अपने। जब जैसे ही TR डिक्रीज करने लगेगा MR हमारा नेगेटिव हो जाएगा, या फिर MR नेगेटिव होगा तो TR डिक्रीज करने लगेगा। ये रिलेशनशिप है TR और MR के अंदर। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आप देखेंगे कि MR जो है मार्जिनल रिवेन्यू कर्व जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है जब प्राइस फॉल कर रहा है विद राइज इन आउटपुट, यानी MR जीरो हो सकता है जब TR सेम रहेगा विद राइज इन आउटपुट, और MR कब नेगेटिव हो सकता है, जब TR हमारा फॉल करेगा विद राइज इन आउटपुट। हाउएवर MR हमारा जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता जब प्राइस हमारा कांस्टेंट रहेगा हर लेवल ऑफ आउटपुट के साथ। आपको पता है जब प्राइस हमारा कांस्टेंट रहता है हर लेवल ऑफ आउटपुट के साथ तो हमारा MR भी सेम ही रहता है, यानी जीरो नहीं हो सकता ना ही नेगेटिव हो सकता। तो ये कब होता है, ये सिनेरियो होता है जब प्राइस हमारा सेम होता है। यहाँ पर हमारा प्राइस क्या है, फॉल हो रहा है विद राइज इन आउटपुट, तो इसके केस में हमारा क्या होता है, MR हमारा जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आपको पता है जब प्राइस हमारा सेम रहता है हर लेवल ऑफ आउटपुट पे तो TR हमारा 45 डिग्री का एंगल बनाता है। 45 डिग्री का एंगल बनाता है, क्या बनाता है, टोटल रेवेन्यू। क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट रेट पर ही इंक्रीज करता है, और जब प्राइस हमारा फॉल करता है तो कोई 45 डिग्री का एंगल नहीं बनाता TR, वो क्या करता है, वो पहले इंक्रीज होता है देन कांस्टेंट होता है देन डिक्रीज होता है। और टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल, टोटल रेवेन्यू मैंने आपको बताया था क्या होता है, टोटल रेवेन्यू होता है समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, लेकिन आपको पता है टोटल कॉस्ट के नॉट बी द समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो ये आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। नाउ ब्रेक इवन पॉइंट की अगर मैं आपको बात करूँ, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है या फिर शट डाउन पॉइंट क्या होता है इस केस के अंडर, तो उस चीज़ को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे टोटल रेवेन्यू और जो टोटल कॉस्ट जहाँ हमारी सेम आ जाए वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है। टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जहाँ पर सेम आ जाए वो क्या होता है, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है, इज़ वेयर व्हेन टोटल रेवेन्यू इज़ इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। और ब्रेक इवन पॉइंट पे फर्म जो है अपनी सारी कॉस्ट को मीट कर सकती है, यानी कि उतना उसका जितना भी रेवेन्यू आ रहा है, जितनी भी कॉस्ट है वो सारी उसके रेवेन्यू उसको कवर कर लेंगी उस पॉइंट के ऊपर। एज अ रिजल्ट आप देखेंगे इसका डायग्राम किस तरह से बनता है। आपको पता है कि जब प्राइस सेम रहेगा हर लेवल ऑफ आउटपुट पे तो टोटल कॉस्ट का आपको पता है इस तरह से हमने ग्राफ बनाना सीखा था, एंड टोटल रेवेन्यू का हमने कहा कि 45 डिग्री लाइन होती है और ये टोटल कॉस्ट, ये 45 डिग्री लाइन होती है और ये टोटल रेवेन्यू का कर्व है, ये टोटल कॉस्ट का कर्व है। तो ये जो पॉइंट है ई पॉइंट, ये क्या है, ये है हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा टोटल रेवेन्यू जो है टोटल कॉस्ट के इक्वल आ रहा है, और यही क्या है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, यही क्या है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, ई ब्रेक इवन पॉइंट है। ई से नीचे, यानी ई से जो नीचे है वो क्या है, ये हमारे एबनॉर्मल लॉसेस हैं। ये क्या है, ये हमारे एबनॉर्मल लॉसेस हैं, और ये क्या है, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं। ये प्रॉफिट्स क्यों है, प्रॉफिट इसलिए है क्योंकि रेवेन्यू यानी पैसे हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं, रेवेन्यू ऊपर है, कॉस्ट नीचे है। कॉस्ट हमारी कम है, रेवेन्यू ज़्यादा है, पैसे कॉस्ट हमने कम लगाई है, पैसे हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं, यानी प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट आएगा। और यहाँ पे क्या है, कॉस्ट हमारी ऊपर है, रेवेन्यू नीचे है, कॉस्ट ज़्यादा है हमारी, पैसे नहीं है हमारे पास, तो ऑब्वियसली लॉस होने वाला है हमें। तो ये क्या है, ये एबनॉर्मल लॉसेज हैं। ई क्या है, ई एक ऐसा सिचुएशन होता है नॉर्मल प्रॉफिट्स का, जहाँ सिचुएशन होती है, किस चीज़ की सिचुएशन होती है, ये सिचुएशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स कहते हैं इसको। ई पर हम क्या कहते हैं, सिचुएशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स की सिचुएशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन, क्यों, क्योंकि इस पे कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस नहीं हो रहा, और मैंने आपको एबनॉर्मल और प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉसेस के बारे में भी समझा दिया है। ब्रेक इवन पॉइंट एक और तरीके से अचीव होता है, कैसे, एक तो TR जब टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाए, और एक और तरीका होता है
एक और तरीका होता है जब एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो जाए, जब एवरेज रिवेन्यू कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो जाए तो भी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ये कैसे आता है? अब मैंने आपको बताया टोटल रिवेन्यू कर्व हमारा टोटल कॉस्ट के इक्वल है, दोनों को अगर मान लो मैंने क्वांटिटी से डिवाइड किया तो ये क्या आ गया, एवरेज रिवेन्यू आ गया, और ये क्या आ गया, एवरेज कॉस्ट आ गया। आपको पता है टोटल रिवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट एवरेज रिवेन्यू होता है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट एवरेज कॉस्ट होती है। तो एवरेज रिवेन्यू अगर एवरेज कॉस्ट के इक्वल आ जाए तो भी हमारा क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाएगा। इस चीज़ को हम कैसे डिनोट करेंगे, ग्राफिकली। ग्राफिकली इस चीज़ को ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, आपको पता है कि प्राइस, यहाँ पे भी हमने यही देखा था कि प्राइस सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, ये तो था, तभी तो हमारा टोटल रेवेन्यू 45 डिग्री लाइन लिया था हमने। तो यहाँ पे भी अगर प्राइस सेम है हर लेवल ऑफ आउटपुट के साथ, तो यानी प्राइस हमारा सेम रहेगा, प्राइस इज इक्वल्स टू AR है, तो यानी ये ही हमारा MR भी होगा। आपको पता है ये प्राइस लाइन है, और एवरेज कॉस्ट कर्व की लाइन आप जानते हैं, एवरेज कॉस्ट मैंने आपको बनाना सिखाया था, इस तरह का यू शेप्ड कर्व होता है, AC कर्व, जहाँ पे एवरेज कॉस्ट कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व मीट करेंगे, यानी इस पॉइंट पे कर रहे हैं, मान लो एम पॉइंट ले लेते हैं, तो ये पॉइंट क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया ब्रेक इवन पॉइंट, क्या हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। तो ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ कहाँ पे अचीव होता है, जहाँ पे टोटल रेवेन्यू जो है टोटल कॉस्ट कर्व के इक्वल हो, और एवरेज रेवेन्यू क्या है, हमारे एवरेज कॉस्ट कर्व के इक्वल हो। आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। एक और पॉइंट है इसके अंदर, शटडाउन पॉइंट क्या होता है, शटडाउन पॉइंट क्या होता है, शटडाउन पॉइंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे फर्म जो है अपने वेरिएबल कॉस्ट को ही कवर कर पा रही है, यानी सिर्फ अपने वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रही है, फिक्स्ड कॉस्ट को नहीं कवर कर पा रही, तो वो क्या होता है, एक शटडाउन पॉइंट होता है। इस अदर वर्ड्स में एक सिचुएशन जहाँ पे टोटल रेवेन्यू किसी भी जगह से, मतलब किन्हीं भी गुड्स को सेल करने से जितने भी रेवेन्यू आ रहे हैं वो सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट के ही इक्वल आए, यानी कि शटडाउन पॉइंट क्या होगा, व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी जितने भी पैसे हमें मिल रहे हैं वो सिर्फ हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ही कवर कर पा रहे हैं, तो वो पॉइंट क्या होता है, उसी पॉइंट को हम शटडाउन पॉइंट कहते हैं। इसको समझाने के लिए, इसको अगर हम टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी या फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, दोनों को क्वांटिटी से डिवाइड करें तो क्या आता है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड एवरेज रेवेन्यू आएगा, और ये क्या होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगा, एवरेज रेवेन्यू को हम प्राइस भी कहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। अगर इसी चीज़ को मैं आपको ग्राफिकली समझाऊँ, आपको मैंने बताया पहले प्राइस हमारा सेम है, प्राइस इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि एवरेज कॉस्ट आपको पता है ये होती है, ठीक है, मैंने ये मैंने ऊपर की यहाँ पे तो मैंने सेम लिया, क्यों, क्योंकि ब्रेक इवन, यहाँ पे मैंने कहा कि सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, ये ABC लगा लीजिए, यहाँ इसका लोएस्ट पॉइंट मान लो ये है, इसका आपको पता है AC का लोएस्ट पॉइंट राइट में होता है, ABC का पहले आ जाता है लोएस्ट पॉइंट, तो ये हमने ABC और AC हमने बना लिया, दोनों यू शेप्ड कर्व बना ली। नाउ मैंने कहा कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही, हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही कवर कर पा रहा है, यानी फिक्स्ड कॉस्ट AC के अंदर, तो AC क्या होता है, AC क्या होता है, AVC प्लस AFC, ये तो होता है, इसके अंदर तो AFC भी होता है, ये फिक्स्ड कॉस्ट को नहीं कवर कर पा रहा है, इसीलिए ये ऊपर है, अगर फिक्स्ड कॉस्ट को भी कवर कर लेता तो ये इस तरह से होता, अभी ये फिक्स कॉस्ट को नहीं कवर कर पा रहा, तो एवरेज कॉस्ट हमने ऊपर रखा है, तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही कवर कर पा रहा है, तो ये पॉइंट जो है L पॉइंट मान लीजिए, तो ये क्या है, ये पॉइंट है हमारा शटडाउन पॉइंट। आई होप आपको ये बात समझ आ रही हो। यहाँ पे हमने क्वांटिटी सोल्ड ले लिया, यहाँ पे कॉस्ट एंड रेवेन्यू ले लिया, आप देखेंगे कि इस शटडाउन पॉइंट पे फर्म को लॉस हो रहा है, किस चीज़ का लॉस हो रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट का। आप जानते हैं एवरेज कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट भी, अब वो फिक्स्ड कॉस्ट को कवर ही नहीं कर पा रहा, यानी अगर किसी चीज़ की फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है और वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, दो तरह की कॉस्ट हो रही है एक फर्म में, और वो सिर्फ फिक्स वेरिएबल कॉस्ट को ही कवर कर पाया, यानी फिक्स्ड कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रही वो फर्म, इतना सामान बेच ही नहीं पा रही कि वो फिक्स्ड कॉस्ट को भी कवर कर ले, तो यानी ऑब्वियसली उस फर्म को लॉस हो रहा है, और किस चीज़ का लॉस हो रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट जितना लॉस हो रहा है।
तो फर्म अपना प्रोडक्शन स्टॉप नहीं करेगी इस पॉइंट पर, क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट भी इनकर हो रही है। हाउएवर जो एवरेज रेवेन्यू है वो और फर्दर फॉल होगा और मीट नहीं कर पाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी, तो फर्म को हम क्या करेंगे, उसको अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़ेंगे। यानी एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे वो फिक्स्ड कॉस्ट को नहीं कवर कर पा रही, हम कहेंगे अभी हम बंद नहीं कर रहे, अभी हम चलाते रहेंगे फर्म को। लेकिन फर्दर भी हमने देखा कि और भी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने से भी हम अब धीरे धीरे एवीसी को भी नहीं मीट कर पा रहे, तो अब फर्म को शट डाउन करनी ही पड़ेगी, अपनी ऑपरेशंस को अपने काम रोकने ही पड़ेंगे। सो एक ऐसी सिचुएशन शट डाउन पॉइंट की हमने इलस्ट्रेट करी है यहाँ पर, जहाँ पे शट डाउन जो है इस पॉइंट पर कवर हो रहा है, जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, सेम है, और इस पॉइंट पर ही फर्म जो है अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को नहीं मीट कर पा रही। अगर इसके बाद वो ऑपरेशंस अपने कंटिन्यू रखती है तो इसका मतलब क्या है, वो अपने इसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी ऊपर चला गया, इसके बाद क्या है वो अपने वेरिएबल कॉस्ट को भी नहीं कवर कर पाएगी, फिर तो और भी ज़्यादा लॉस हो जाएगा, फिर तो बहुत ही ज़्यादा परेशान, शट डाउन हो जाएंगे सब कुछ। तो ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर वो कहेगी कि अब मुझे रुक जाना चाहिए, अब मुझे ऑलरेडी लॉस हो रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट जितने लॉस हो रहे हैं, अब मुझे वेरिएबल कॉस्ट जितने लॉस नहीं करवाने, अब मुझे यहाँ पे अपने ऑपरेशंस को शट डाउन कर देना चाहिए। आज ये सारा चैप्टर हमारा कवर हो गया है, कॉस्ट चैप्टर हमने लास्ट किया था, रेवेन्यू चैप्टर भी हमारा कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम हम स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको अभी तक ये सारी बातें समझ आ गई हूँ, क्या होता है रेवेन्यू के अंदर, क्या तीनों कंसेप्ट होते हैं, क्या रिलेशनशिप्स होती हैं, क्या ब्रेक इवन पॉइंट्स होते हैं, क्या कैसे शट डाउन पॉइंट निकालते हैं। ये आप प्लीज़ ख्याल रखिएगा अपना, एंड टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।